मिस्टर टंडन की वफात के बाद उसकी जगह अब तिवाड़ी ने ले ली थी और तिवाड़ी की जगह कोई दूसरा अफसर आ गया था जिसका नाम वशराम था। ये खालिस हेड क्लर्क टाइप का आदमी था, कम गो और अपने दफ्तरी काम से काम रखने वाला। देखते ही हाथ जोड़कर राम राम करता। मिस्टर टंडन की जगह अब डीजी रामामूर्ति एक दिन छोड़कर सुबह को मीटिंग बुलाता। मैंने उस पर अपना काफी असर जमा लिया था। मुसलमानों का जानी दुश्मन, मैं उसके सामने जी भर कर मुसलमानों के खिलाफ बोलता, ब्राह्मण तबके को हिंदू धर्म का सबसे बुलंद तबका साबित करता और भारत माता और भारत माता की आन और मर्यादा पर अपनी जान कुर्बान कर देने की बातें करता। मैंने इसका असर ये देखा कि रामामूर्ति मुझ पर ज्यादा भरोसा करने लगा। फिर उस मुतासिब ब्राह्मण डायरेक्टर जनरल ने मुझे अपने एतमाद में ले लिया और बाज ऐसी खुफिया बातें भी बता दी जो तिवाड़ी को भी मालूम न थी। मसलन रामामूर्ति ने मुझे बताया कि इंडियन इंटेलिजेंस ने बाज हिंदुओं को सिख बनाकर खालिस्तान की तहरीक में फूट डालने के लिए अमृतसर की अकाली दल पार्टी में छोड़ रखा है। उसने मुझे ये भी बताया कि भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स के जवान इसराइली हवाबाजों के साथ मिलकर पाकिस्तान के कहूटा एटमी प्लांट पर हमला करने के प्लान बना रहे हैं। मजीद मालूमात हासिल करने के ख्याल से मैंने रामामूर्ति से कहा, सर हमें इस काम में देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर देर कर दी तो पाकिस्तान जरूर एटम बम बना लेगा। डीजी रामामूर्ति मुस्कुराया, मुझे उसके टेढ़े मेढ़े दांत नजर आने लगे। कहने लगा, इसराइल हमारा सच्चा दोस्त है, वो भी पाकिस्तान से खौफजदा है क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान के लोग बहादुर हैं और इस्लाम के नाम पर एक सेकंड में मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। इसलिए वो भी चाहता है कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को एटमी टेक्नोलॉजी में तरक्की न करने दे। रामामूर्ति की जबानी ये भी मालूम हुआ कि पाकिस्तान के एटमी रिएक्टर कहूटा पर अनकरीब इसराइली पायलट इंडियन हवाबाजों के साथ मिलकर अचानक हमला करके उसे तबाह करने का इरादा रखते हैं। मैंने मजीद कुरेदा, मगर रामामूर्ति ने इससे ज्यादा मुझे कुछ न बताया, बल्कि मुझे सख्ती से हिदायत की कि इसका जिक्र तिवाड़ी से भी न करूं। मेहता, मैंने तुम्हें इंतहाई खुफिया बात बता दी है, महज इसलिए कि तुम भारत माता के पुजारी हो और अखंड भारत पर यकीन रखते हो, मगर इसका जिक्र हरगिज किसी से मत करना। मैंने भरपूर अज़्म और एतमाद के साथ कहा, सर मैं इंटेलिजेंस का एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ, भारत माता के लिए मेरी जान भी हाजिर है, जान चली जाएगी पर ये राज किसी पर जाहिर नहीं होगा। डीजी रामामूर्ति बड़ा खुश हुआ। उसी रात मैंने पाकिस्तान में अपने बॉस से राब्ता कायम किया। उससे राब्ता कायम करना जरूरी हो गया था। मैंने कोर्ट जबान में उससे कहूटा एटमी बिजली घर के बारे में दुश्मन के नापाक अजायम का जिक्र किया तो बॉस ने कहा, कल इसी वक्त तुम्हें एक जरूरी पैगाम दिया जाएगा, अपनी हिफाजत करो, तुम्हारी निगरानी हो रही है, स्टॉप। दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। स्टॉप का मतलब ये था कि अब कोई पैगाम नशर न करूं। मैंने ट्रांसमीटर बंद करके उसे खुफिया जगह पर छुपा दिया। बॉस की ये इत्तला मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक थी कि मेरी अब भी निगरानी हो रही थी। मेरे पीछे सीआईडी का आदमी लगा हुआ था। इसका मतलब यही था कि टंडन की मौत के बाद भी ये सिलसिला जारी था और लाजमी तौर पर मुझ पर शक किए जाने के राज में मिस्टर तिवाड़ी या डीजी रामामूर्ति भी शामिल थे। इस ख्याल ने मुझे रात को देर तक परेशान रखा। अगले रोज दफ्तर में भी मैं बड़ा मोहतात रहा। तिवाड़ी और डायरेक्टर जनरल रामामूर्ति से बातें करते हुए भी ये एहसास मेरे हवास पर छाया हुआ था कि इन लोगों को मुझ पर शक पड़ चुका है और अब मेरी निगरानी इनमें से ही किसी के इशारे पर हो रही है। दफ्तर से मैं सीधा अपने घर वापस आ गया। रास्ते में इधर उधर देखता रहा मगर मुझे अपने पीछे कोई मखसूस आदमी ताकुब करता नजर न आया। मगर बॉस की इत्तला गलत नहीं हो सकती थी, उसके वसाइल मोतबर थे। रात को ट्रांसमीटर पर सिग्नल नशर करने से पहले मैंने दराजों को अंदर से अच्छी तरह से बंद किया। बेडरूम में सिर्फ टेबल लैंप ही जल रहा था। मैंने खास फ्रीक्वेंसी मिलाई तो दूसरी तरफ बॉस मेरा मुंतजर था। उसने मरमूज जबान में कहा, लिखो। मैं पहले ही कॉपी पेंसिल निकाल कर बैठा था। उसने जो पैगाम लिखवाया उसका मफहूम ये था, उधमपुर जाकर जम्मू बोर्डिंग हाउस की मालिका इंद्रानी से मिलो, उसे अपना कोड वर्ड बताना, वो तुम्हें अपना कोड वर्ड बताएगी। वहां से बाएं जानिब आजाद कश्मीर की सरहद से 30 मील के फासले पर ऋषि जाम पहाड़ी में इसराइल के थंडर हॉक हेलीकॉप्टर कैमोफ्लाज करके रखे गए हैं। ये स्क्वाड पाकिस्तान के कहूटा एटमी बिजली घर पर अचानक हमला करके उसे तबाह करने के लिए आया है। बाकी तफसीलात तुम्हें इंद्रानी बताएगी। इंद्रानी हिंदू नहीं, क्रिश्चियन लड़की है, वो हमारी एजेंट है और इसराइलियों की अजली दुश्मन है। सीना की जंग में उसके माँ बाप और भाई बहन इसराइली बमबारी से हलाक हो गए थे। तुम्हें जल्दी वहाँ पहुँच कर इसराइली थंडर हॉक के स्क्वाड्रन को तबाह करना होगा। कहूटा की फजा हमने महफूज कर रखी है, लेकिन इसराइली थंडर हॉक जदीद तरीन अमरीकी हेलीकॉप्टर है। तुम्हारे पीछे जो आदमी तुम्हारी निगरानी पर लगा हुआ है उसके तुम फिक्र न करो, उसे हमारे आदमी संभाल लेंगे।
जाएंगे, तुम फौरन उधमपुर पहुंचो, वक्त बहुत कम रह गया है। कहूटा का एटमी बिजली घर पाकिस्तान की सनती तरक्की का लाजमी जुज्व है, इसे हर कीमत पर हमें बचाना है। ओके, खुदा तुम्हारा निगहबान हो। मैंने इस पैगाम को 2-3 बार पढ़ा और जरूरी चीजें अपने जहन में अच्छी तरह बिठा ली, फिर कागज को जलाकर बाथरूम के फ्लश में बहा दिया। एक बार फिर मुश्किल तरीन मरहला मेरे सामने था, यानी दिल्ली से छुट्टी लेकर उधमपुर जाना। बॉस के कहने पर मैं अपनी निगरानी करने वाले जासूस की जानिब से आधा मुतमईन हुआ था, आधा परेशान था। इस शख्स को डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस रामामूर्ति की तरफ से या मिस्टर तिवाड़ी की तरफ से मेरे पीछे लगाया गया था। मैं किसी तरह छुट्टी लेकर दिल्ली से अगर बाहर जाता हूँ तो यकीनी बात थी कि ये शख्स मेरे ताकुब में पीछे पीछे आएगा। क्या बॉस के इशारे पर हमारा कोई एजेंट उसे अगवा कर लेगा? क्या वो उसे मौत की नींद सुला देगा? इस मुश्किल का मेरे पास कोई हल नहीं था, मगर उधमपुर जाना बहुत जरूरी था। अगरचे पाकिस्तानी पायलटों का शुमार दुनिया के नंबर 1 और बेहतरीन हवाबाजों में होता है और वो दुश्मन के किसी हमले से निमटने के लिए हर तरह से चौकस थे, इसके बावजूद अमेरिका ने इसराइल को जो जदीद तरीन थंडर हॉक हेलीकॉप्टर दिए थे और भारत के किसी खुफिया हेलीपैड से वो कहूटा पर जो तबाहकुन हमला करना चाहता था, इसमें खतरा था कि हमारे कहूटा एटमी बिजली घर को शदीद नुकसान पहुंचेगा। मुझे कहूटा एटमी प्लांट को बचाने के लिए जान की बाजी लगानी थी जो मैंने पहले ही से लगा रखी थी, मगर इस मिशन के लिए जोश से ज्यादा होश और बेहतरीन हिकमत अमली की जरूरत थी। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई कि उधमपुर जाने के लिए क्या बहाना बनाऊं। सुबह उठा तो रात के तफक्कुरात की वजह से सर दर्द कर रहा था। मैंने चाय के साथ सर दर्द की गोली खाई और गुसल खाने में घुस गया। नाश्ता करने के बाद गाड़ी निकाल कर दफ्तर की तरफ रवाना हुआ तो जहन एक ही बात सोच रहा था कि उधमपुर कैसे पहुंचूं। मैं दफ्तर वालों से ये बात पोशीदा रखना चाहता था कि मैं उधमपुर जम्मू जा रहा हूँ। मेरे एक चचा दुर्गादास जो पहले बम्बई में कपड़े का कारोबार करते थे अब नागपुर मुंतकिल हो गया था। पहले सोचा कि उसकी बीमारी का बहाना बनाकर नागपुर चला जाऊं और वहां से जम्मू पहुंच जाऊं, मगर इसमें बड़ा वक्त जाया होता। नागपुर भारत के वस्त में है। काफी सोच विचार के बाद आखिर इसी नतीजे पर पहुंचा कि मुझे फिर एक हार्ट अटैक से काम लेना होगा। मैंने शाम को सुजाता को साथ लिया और नई दिल्ली के एक रेस्तरां में चाय पीने आ गया। सुजाता मेरी तरफ से मुतमईन थी क्योंकि मैंने उसे बता दिया था कि 1 साल बाद मैं उससे शादी कर लूंगा। हम कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गए। सुजाता ने बड़ी खूबसूरत रेशमी साड़ी पहन रखी थी, आज उसके जूड़े में मोतिये के सफेद फूल भी लगे हुए थे। वो चाय बना रही थी। रेस्तरां की फजा बड़ी पुरसकून थी। मैंने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और फिर सोचे समझे मनसूबे के तहत एकदम से सीने पर हाथ रखा और लंबे लंबे सांस लेने लगा। सुजाता ने परेशान होकर कहा, क्या बात है डियर? मैंने कोई जवाब न दिया और कुर्सी से नीचे लुढ़क गया। नीचे कालीन का फर्श था। मैंने आंखें बंद कर ली और जाहिर ये किया कि मैं बेहोश हो गया हूँ। सुजाता ने घबरा कर मेरा सर अपनी गोद में रखा और चिल्ला कर बोली, डॉक्टर को फोन करो। रेस्तरां में कुछ लोग भाग कर मेरे करीब आए, फिर मुझे गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचा दिया गया। मैं जानबूझकर उखड़े उखड़े सांस ले रहा था ताकि मेरी ECG हो तो दिल की धड़कनों में फर्क पैदा हो जाए। मैं बेहोशी के आलम में भी अपने जिस्म को थोड़ी थोड़ी देर बाद हल्के हल्के झटके दे रहा था। मैंने ये खुद साख्ता बेहोशी अपने ऊपर रात गए तक तारी रखी। सुजाता के माता पिता चले गए मगर सुजाता मेरे पास ही रही। दूसरे रोज मैंने ये जाहिर किया कि अब मैं खुद को सेहतमंद महसूस कर रहा हूँ। दफ्तर वालों को सुबह खबर मिल गई। 9 बजे सब लोग मेरी अयादत को आए। TG रामामूर्ति और मिस्टर तिवाड़ी भी आए। मैंने वहीं ये बात उन्हें बता दी कि डॉक्टर इस बार मेरे लिए किसी सेहत अफजा मकाम पर 2-3 महीनों के लिए जाने को कह रहे हैं। DG रामामूर्ति ने कहा, कैप्टन मेहता, तुम्हें पहली फुर्सत में किसी ऐसे मकाम पर चले जाना चाहिए। मैं अभी से तुम्हारे लिए 6 माह की रुख्सत मंजूर करता हूँ। मैंने कहा, सर मैं इतनी देर अपने दफ्तरी फराइज से बेताल्लुक नहीं रह सकता, मेरे लिए 2 माह की रुख्सत ही काफी होगी। इस बार मैंने भारत का जो सेहत अफजा मकाम चुना वो शिमला था। सुजाता अपनी माता को लेकर मेरे साथ जाने पर मुसिर थी। मैं उसे कैसे अपने साथ ले जा सकता था। बड़ी मुश्किल से इन बलाओं को अपने से अलग किया और एक रोज हवाई जहाज में सवार होकर शिमले की जानिब रवाना हो गया। मेरी निगरानी करने वाला अगर मेरे पीछे लगा हुआ था तो मुझे उसकी ज्यादा फिक्र नहीं थी। मुझे मालूम था कि हमारा कोई ना कोई एजेंट शिमला पहुंचते ही उसे काबू कर लेगा। अलबत्ता मैं उस चेहरे की तलाश में जरूर था। शिमले में पहाड़ी ढलान पर बने हुए एक पुरसकून आला होटल के एक कमरे में ठहर गया। सुबह शाम मैं छड़ी लेकर पहाड़ी सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता सैर करने निकल जाता। मेरा मकसद अपने पीछे लगे हुए आदमी को तलाश करना था। तीसरे रोज मैंने एक आदमी को जो लंबी बरसाती पहने हुए था अपने पीछे आते देखा। बहुत जल्दी मैंने मालूम कर लिया कि यही वो आदमी है जो मेरे पीछे निगरानी के लिए लगाया गया है। जब तक ये मेरे पीछे लगा था मैं अपने नए मिशन पर रवाना नहीं हो सकता था। मुझे उस लम्हे का इंतजार था जब हमारा एजेंट उसे गायब कर देता। हमें जब एक दूसरे की जानिब से कोई बात कही जाती है तो इसका मतलब होता है कि उस पर अमल जरूर किया जाएगा। कहूटा को
बचाने का मिशन कोई मामूली मिशन नहीं था। मुझे यकीन था कि अपना एजेंट मेरे पीछे लगे हुए आदमी को बहुत जल्द इस तरीके से ठिकाने लगाएगा कि पीछे हमारे हेड ऑफिस को पहले की तरह सब ठीक है कि इत्तला मिलती रहेगी। चुनाचे मजीद दो दिन जब गुजरे तो मेरा पस मंजर साफ था, यानी अब मेरे पीछे वो बरसाती वाला पुरसरार जासूस नहीं था। हमारे एजेंट ने मेरे अहम तरीन कहूटा मिशन के लिए रास्ता साफ कर दिया था। इसकी मुझे कोई इत्तला न दी गई, लेकिन जब तक मुझे ऑल क्लियर का इशारा न मिल जाता मैं कदम आगे नहीं बढ़ा सकता था। पॉकेट साइज का ट्रांसमीटर मैं अपने साथ ही लाया था। चुनाचे उसी रोज रात को मैंने अपने बॉस से राब्ता कायम किया तो उधर से बॉस ने झुंझला कर कहा, तुम अभी तक शिमले में बैठे क्या कर रहे हो? तुम्हारी निगरानी करने वाला गायब कर दिया गया है। तुम्हारे हेड ऑफिस को सब ठीक है कि इत्तला मिलती रहेगी। तुम फौरन अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाओ। दूसरे दिन मैंने पतलून और जैकेट पहनी, सयाहों वाला चमड़े का थैला कांधे से लटकाया और होटल वाले को डलहौजी जाने का कहकर एयरपोर्ट आ गया। यहाँ से जहाज पकड़ा और उसी रोज जम्मू तवी पहुँच गया। दोपहर का खाना मैंने एक रेस्तरां में खाया, फिर बस पकड़ी और उधमपुर की तरफ चल दिया। बस तवी दरिया के दूसरे पुल से गुजरने के बाद जम्मू श्रीनगर रोड पर आ गई। ऊपर एक जानिब पहाड़ों की बुलंदी पर वाकई माता के मंदिर का कलश नजर आ रहा था। सर्दियों में यहाँ की यात्रा करने हिंदुस्तान के कोने कोने से यात्री आते हैं। अब बस श्रीनगर की सड़क पर जा रही थी, आगे उधमपुर था। बस उधमपुर रुकी तो मैं भी दूसरे तीन चार मुसाफिरों के साथ उतर गया। उधमपुर से आगे वादी कश्मीर का पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। उधमपुर एक अच्छा खासा शहर नुमा पहाड़ी कस्बा है। उन दिनों ज्यादा आबादी नहीं थी, अब तो वहाँ एक बहुत बड़ी छावनी बन गई है। उन दिनों वहाँ अभी छावनी भी नहीं थी। मैं उधमपुर की आबादी में दाखिल हो गया। ऊंची नीची पहाड़ी सड़कों की दोनों जानिब मकान बने हुए थे। मुझे जम्मू बोर्डिंग हाउस की तलाश थी। एक डोगरे सिपाही से जम्मू बोर्डिंग हाउस का पता पूछा और आबादी की जुनूबी सरहद से निकल कर एक खुशनुमा वादी में आ गया। यहाँ अखरोट और बादाम के ऊंचे ऊंचे दरख्तों के साए में एक ढलानी छत वाला बोर्डिंग हाउस बना हुआ था। उसकी पेशानी पर बरामदे के ऊपर अंग्रेजी और हिंदी में जम्मू बोर्डिंग हाउस लिखा था। बोर्डिंग हाउस की एक मंजिला इमारत बता रही थी कि उसमें 6-7 कमरों से ज्यादा गुंजाइश नहीं है। सितंबर का महीना शुरू होने वाला था, इसलिए मुसाफिर कम ही नजर आ रहे थे। बोर्डिंग हाउस के बरामदे के सामने एक लॉन था जिसमें बेद की कुर्सियां और मेजें टुकड़ियों की शक्ल में पड़ी थी। धूप निकली हुई थी, मौसम ठंडा था। एक मेज के गिर्द सिख फैमिली धूप में बैठी चाय वगैरह पी रही थी। बरामदे में से एक डोगरा बैरा हाथ में कांसी की थाली लिए गुजर गया। मैं बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर बरामदे के चौबी फर्श पर कोने में रखी आराम कुर्सी पर बैठ गया। मेरे सामने एक मेज थी और उसकी दूसरी जानिब भी बेद की एक कुर्सी पड़ी थी। मेरा रुख बरामदे की दूसरी जानिब था जिधर गालिबन बोर्डिंग हाउस का दरवाजा था। उस दरवाजे पर पर्दा गिरा हुआ था। अंदर से किसी औरत के बोलने की आवाज आ रही थी। वो नौकरों को शायद कुछ हिदायत दे रही थी। मैंने सिगरेट सुलगा लिया और मेज पर टांगे फैलाकर मजे से सिगरेट पीने लगा। ठंडी हवा चल रही थी, बादाम के गुंजान दरख्तों में से बादामों की धीमी धीमी महक आ रही थी। इतने में एक नौजवान बैरा मेरे पास आ गया और बोला, साहब क्या लाऊं, चाय या कॉफी? मैंने अपना सफरी थैला कुर्सी के पास ही रखा हुआ था। मैंने सिगरेट का कश लगाकर कहा, यहाँ कमरा मिल जाएगा? बैरे ने जल्दी से कहा, मिल जाएगा साहब, आइए मैं आपको कमरा दिखाता हूँ, मगर पहले आप रानी जी से बात कर लें। मैंने पूछा, रानी जी कौन है? बैरे ने कहा, जी बोर्डिंग हाउस रानी जी का ही है, वो उधर सामने वाले कमरे में बैठती है, आइए मेरे साथ रजिस्टर में नाम पता दर्ज कर दें। मैंने थैला उठाकर कांधे से लटकाया और बरामदे के कोने वाले कमरे का पर्दा हटाकर बैरे के साथ कमरे में दाखिल हो गया। मैंने एक मुतनासिब जिस्म वाली औरत को देखा कि तंग पतलून और गर्म नसवारी जैकेट पहने मेज पर कोहनियां टिकाए रजिस्टर में कुछ लिख रही थी। उम्र 30-35 के दरमियान होगी, रंग जर्दी माइल, बाल गर्दन तक कटे हुए, नाक सीधी नाजुक और आगे से जरा ऊपर उठी हुई। उसके बाएं हाथ में सिगरेट सुलग रहा था। बैरे ने जाते ही कहा कि ये साहब कमरा लेना चाहते हैं। औरत ने चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें भूरी थी। एक नजर मुझे बेनियाजी से देखा और फिर रजिस्टर पर इंदराज करने लगी। सिर्फ इतना कहा, कितने दिनों के लिए कमरा चाहिए? मैंने थैला कुर्सी पर रखते हुए कहा, जब तक इस वादी में बर्फ गिरना शुरू नहीं हो जाती। औरत ने, जो यकीनन बोर्डिंग हाउस की मालिक इंद्रानी ही थी, मेरी तरफ देखे बगैर मेज से एक छोटा सा रजिस्टर उठाया और मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, इस पर अपना नाम पता लिख दें। मैंने रजिस्टर खोला और उसके सफे पर अपना फर्जी हिंदुआना नाम और अमृतसर का पता लिख दिया। औरत ने मशीनी अंदाज में कहा, 100 रुपया रोज का किराया होगा, खाना पीना उसमें शामिल है, 500 रुपए एडवांस होंगे। फिर दराज में से चाबी निकाल कर बैरे की तरफ उछाल दी, इन्हें कमरा दिखा दो। बैरे ने चाबी उठाते हुए कहा, साहब पेमेंट कर दें और चल कर कमरा देख लें। मैंने बटवे में से 600 रुपए निकाल कर इंद्रानी के सामने रख दिए और अंग्रेजी में कहा, क्या आप अपने बोर्डिंग हाउस में आने वालों से कोई बात नहीं करती? उस औरत ने अब भी मेरी तरफ आंख उठाए बगैर कहा, इसकी जरूरत नहीं है मिस्टर, आप अपने कमरे में जाएं, रसीद आपको वहीं मिल जाएगी, लंच ठीक 1 बजे डाइनिंग रूम में होता है। मैंने शुक्रिया कहा और बैरे के साथ अपने कमरे में आ गया। कमरे में हर शय करीने से लगी थी, बिस्तर भी लगा हुआ था,
बाथरूम साथ ही था। मैंने बैरे को जाने का इशारा किया और गुसल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया, बालों में कंघी की और टाइम देखा। लंच में अभी एक घंटा बाकी था। मैं कमरे से निकलकर बरामदे में आकर कुर्सी पर बैठ गया। मुझे सबसे पहले बोर्डिंग हाउस की मालिका का नाम दरियाफ्त करना था। मेरे वाला बैरा उधर से गुजरा तो मैंने इशारे से बुलाकर पूछा, क्यों महाशय जी, तुम्हारी बोर्डिंग हाउस की मालिका का नाम क्या है? बैरा बोला, साहब जी, हम सब उन्हें रानी जी कहते हैं, मगर उनका असल नाम इंद्रानी जी है, हमारा बड़ा ख्याल रखती हैं साहब जी। मैंने बैरे को 2 रुपए टिप दिए, वो चला गया। थोड़ी देर बाद मैं उठा और बरामदे के फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता चलता इंद्रानी के कमरे का पर्दा हटाकर अंदर देखा। इंद्रानी एक चेक पर दस्तखत कर रही थी, टेलीफोन उसकी बाएं जानिब रखा हुआ था। कमरे में अकेली थी। इंद्रानी ने तुर्श रुई से देखा। मैंने कहा, रानी जी, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। मैं उसकी जबानी उसका नाम सुनना चाहता था। मेरी तरकीब कारगर साबित हुई। उसने चिल्ला कर कहा, मेरा नाम रानी नहीं इंद्रानी है और टेलीफोन खराब है, पोस्ट ऑफिस से जाकर फोन कर लें। चेकबुक बंद करके उसने दराज में रख दी और दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि मैंने कहा, आप मेरा नंबर लिख लें, खुद ही फोन कर लीजिएगा। उसने गुस्सीली आंखों से मुझे देखा। आपका मतलब क्या है जनाब? क्या आप मुझसे मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने इत्मीनान कर लिया था कि वहाँ कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं है। मैंने अपना कोड नंबर बोलकर कहा, ये मेरा फोन नंबर है, लिख लीजिए। कोड नंबर सुनते ही उसका चेहरा एकदम संजीदा हो गया। चेहरे पर जो झल्लाहट और तुरसी थी वो आनन फानन गायब हो गई। तेज कदम उठाती वापस आकर मेज के पीछे अपनी कुर्सी पर बैठ गई। फोन का रिसीवर उठाकर कान के साथ लगा लिया। फिर उसने अपना कोड नंबर बोल दिया। कोड नंबर उसी का था। मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। इंद्रानी ने रिसीवर वापस टेलीफोन पर रख दिया और एक रजिस्टर की वर्क करदानी करते हुए आहिस्ता से बोली, मैं आज रात 12 बजे आपके कमरे में आऊंगी। कमरे की चटखनी अंदर से बंद न करना। अब तुम जाओ। मैं खामोशी से उठा और बाहर आ गया। कुछ देर बरामदे में बैठा रहा, फिर वादी में चहलकदमी करने निकल गया। चहलकदमी महज बहाना था। असल में मैं उधमपुर की मगरिब की जानिब उस पहाड़ी सिलसिले को देखना चाहता था जहाँ किसी पहाड़ के अंदर भारतीय हुकूमत ने इसराइली थंडरहॉक हेलीकॉप्टरों का पूरा स्क्वाड्रन छुपा रखा था। बाएं जानिब जिधर आजाद कश्मीर की सरहद शुरू होती थी, उधर ऊंची नीची पहाड़ियों के पीछे आजाद कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता था। सीज फायर लाइन भी इन पहाड़ियों के पार किसी जगह पर थी। इन पहाड़ियों तक एक ऊंचा नीचा मैदान चला गया था। इस मैदान में जंगली घास उगी थी, कहीं कहीं जवार के खेत भी धूप में लहला रहे थे। दोपहर का खाना मैंने डाइनिंग रूम की बजाय अपने कमरे में ही मंगवा कर खाया। अगरचे बोर्डिंग हाउस में उस वक्त 2-3 कुंबे रह रहे थे, फिर भी मैं उनके सामने ज्यादा देर नहीं रहना चाहता था। शाम तक मैं अपने कमरे में सोया रहा। ट्रांसमीटर मैंने आते ही एक इंतहाई खुफिया मगर इंतहाई आम सी जगह पर छुपा दिया था। ये जगह मैं आपको नहीं बताऊंगा। रात का खाना खाने के बाद मैं चहलकदमी के लिए बाहर निकल गया। उधमपुर की बत्तियां पहाड़ी ढलानों पर जगमगा रही थी। मेरी नजरें अपने आप मगरबी पहाड़ियों की तरफ उठ गईं। उधर मुझे कोई रोशनी नजर न आई। हालांकि उधर इसराइली थंडर हॉक हेलीकॉप्टरों का हेलीपैड था, मगर वहाँ एक भी वायरलेस का एंटीना नहीं लगा हुआ था। रडार सिस्टम को भी इंतहाई खुफिया रखा गया था। मेरी इतला के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल थे और आज के ऑक्स तैयारों से बेहद मिलते जुलते थे। रडार सिस्टम मुमकिन है इन हेलीकॉप्टरों में ही लगा हुआ हो। थोड़ी देर वादी में सैर करने के बाद मैंने अपने कमरे में आकर कपड़े बदले। रात होते ही सर्दी में इजाफा हो गया था। मेरे कमरे में बिजली का हीटर लगा हुआ था। कमरे की फजा बाहर की निस्बत गर्म और पुरसकून थी। कुछ देर जम्मू रेडियो स्टेशन से नशर होने वाले गाने और खबरें सुनता रहा। फिर बिस्तर पर लेटकर अंग्रेजी जासूसी नॉवल पढ़ने लगा। कमरे की चटखनी मैंने नहीं लगाई थी। टेबल लैंप की रोशनी सिर्फ मेरी किताब पर ही पड़ रही थी, बाकी कमरे में धीमी रोशनी फैली थी। घड़ी मैंने तपाई पर उतार कर रख ली थी। 11 बजे रात बाहर मुकम्मल खामोशी छा गई थी। पहाड़ी इलाकों में सर्दी की वजह से लोग बहुत जल्द अपने घरों में घुस जाते हैं। मेरे कमरे की खिड़कियां बंद थी और उन पर पर्दे गिरे हुए थे। ठीक 12 बजे मैंने किताब बंद करके तपाई पर रख दी और सिगरेट सुलगा कर बिस्तर पर उठकर बैठ गया। मेरी निगाहें कमरे के दरवाजे पर जमी थी। फिर दरवाजा आहिस्ता से खुला और इंद्रानी अंदर दाखिल हुई। अंदर आते ही उसने दरवाजे को बंद करके चटखनी लगा दी। वो शब खाबी के लिबास में थी और ऊपर से लद्दाखी गाउन पहन रखा था। सर के बाल जर्द रुमाल में लिपटे हुए थे। वो कुर्सी खींच कर मेरे करीब ले आई। टेबल लैम्प को उसने तपाई पर से परे हटा दिया। जेब से अपनी ब्रांड के सिगरेटों का पैकेट निकाल कर सुलगाया। पैकेट तपाई पर रखा और मेरी तरफ थोड़ी थोड़ी सुकड़ी हुई भूरी आंखों से देखा और बोली, रात के खाने में तुम्हें कौन सी शय ज्यादा पसंद है? ये भी हमारा एक खास तरीका था। किसी अहम तरीन और नाजुक मिशन पर जाते हुए जब हमारा किसी दूसरे एजेंट से मिलाप होता तो हम कोड वर्ड तो एक दूसरे को बताते हैं, लेकिन मजीद तसल्ली के लिए हम एक दूसरे से ये जरूर पूछते हैं कि रात के खाने पर तुम्हें कौन सी शय पसंद है। जवाब में हम किसी शय का नाम नहीं लेते, बल्कि ये कहते हैं कि मैं रात का खाना कभी नहीं खाता, मैं रात को नाश्ता करता हूँ।
यही हमारा खास पासवर्ड और शनाख्ती जुमला होता है। चुनाचे जब इंद्रानी ने मजीद तसल्ली के लिए मुझसे रात के खाने के बारे में पूछा तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं रात का खाना कभी नहीं खाता, मैं रात को नाश्ता करता हूँ। इंद्रानी की सुकड़ी भूरी आंखें नॉर्मल हो गईं। उसने जेब से एक पॉकेट बुक निकाल कर खोली, उसमें एक सफेद तय किया हुआ कागज रखा था। उस कागज को खोलकर उसने मेरे सामने तपाई पर बिछा दिया। उस कागज पर उल्टी तिरछी लकीरों से एक नक्शा बना हुआ था, बीच में कहीं कहीं नन्हे दायरे बने हुए थे। इंद्रानी ने एक गोल दायरे पर उंगली रखी और बोली, ये वो पहाड़ी है जिसके अंदर थंडर हॉक हेलीकॉप्टरों का पैड है। मैंने नक्शे पर बने हुए नन्हे से गोल दायरे को गौर से देखा और पूछा, थंडर हॉक हेलीकॉप्टरों की तादाद कितनी है और वो किस जगह रखे हुए हैं? इंद्रानी ने उस दायरे के करीबी दायरे पर उंगली रख कर कहा, हेलीकॉप्टर इस पहाड़ी के अंदर रखे हुए हैं, ये तादाद में कुल 6 है, मगर कारकर्दगी में 200 आम हेलीकॉप्टर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने इंद्रानी से पूछा कि उसने कभी कोई थंडर हॉक हेलीकॉप्टर देखा है? उसने सिगरेट की राख एस्ट्रे में आहिस्ता से झाड़ी और बोली, नहीं, वहाँ कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। मैंने दूसरा सवाल किया कि क्या इसराइली पायलट भी वहीं रहते हैं और कभी कोई पायलट शहर में आया है? इसके जवाब में इंद्रानी ने कहा, मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त वहाँ सिर्फ 2 इसराइली पायलट मौजूद हैं, 2 इंडियन पायलट और 4 एयरफोर्स के टेक्निकल एडवाइजर भी हैं। इनमें से किसी को उधमपुर शहर में आने की इजाजत नहीं है। ये पहाड़ी एयरबेस इंतहाई राजदारी और खुफिया तरीके से तैयार हुआ है। आम लोगों को यही बताया गया था कि हुकूमत इन पहाड़ियों में जमुर्द की कान खोदना चाहती है। बड़ी बड़ी मशीनों से पहाड़ के अंदर ऊपर से नीचे तक बड़े बड़े गोल सुराख बनाए गए। पहाड़ी के अंदर ऐसी सुरंगें तैयार की गईं जिनमें ऑक्सीजन और सर्दी गर्मी का पूरा ख्याल रखा गया था। फिर एक रोज अचानक ये ऐलान कर दिया गया कि यहाँ से जमुर्द नहीं निकला और हुकूमत ने अब इस जगह को अनाज के गोदामों में तब्दील कर दिया है। उसके बाद फिर किसी ने उधर से किसी आदमी को शहर की तरफ आते न देखा। पहाड़ी के इर्द गिर्द खारदार तार लगा दी गई। थानेदार ने लोगों को सिर्फ इतना ही कहा कि ये खारदार तार अनाज के जखीरे को चोरों से बचाने के लिए लगाई गई है। पहाड़ी के आसपास फौज का पहरा भी बिठा दिया गया। कभी कभी यहाँ लोगों ने हेलीकॉप्टरों को मंडलाते देखा। वो यही समझे कि गोदाम में से अनाज की बोरियां पहाड़ी इलाकों में डिप्लॉय फौजी कंपनियों के मोर्चों तक पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि इंडियन गवर्नमेंट के महकमा डिफेंस ने यहाँ पहाड़ियों में जबरदस्त एयरबेस कायम कर लिया था, जहाँ से हेलीकॉप्टर बिल्कुल उमूदी शक्ल में ऊपर उठते और पहाड़ी के धाने से बाहर निकलते ही झकोला खाकर मगरिब की वादी की तरफ हो जाते। मैंने तहकीकात शुरू कर दी। मेरी सुराग रसानी से मालूम हुआ कि हुकूमत ने पहाड़ियों के अंदर एक खुफिया हेलीपैड तैयार किया है। वहाँ 10-12 हेलीकॉप्टरों के रखने की जगह भी है और ये सब कुछ जंग की सूरत में आजाद कश्मीर पर अचानक हवाई हमले की वजह से किया गया है। वक्त गुजरता गया, 6 माह गुजर गए कि एक रोज पहाड़ियों की तरफ से हेलीकॉप्टरों की गूंज सुनाई थी। दूर होने की वजह से मुझे यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर दिखाई न दिया। आवाज से लगता था कि हेलीकॉप्टर जदीद किस्म के हैं। ये शोर नहीं था बल्कि हल्की सी गूंज थी जो एक पल के लिए कान के पर्दों को जैसे बंद कर देती थी। मैंने अपने तौर पर मामले की खोज की तो मुझे बताया गया कि पहाड़ के नीचे 4 इसराइली हेलीकॉप्टर छुपाए गए हैं। ये यकीनन किसी अहम मिशन के लिए रखे गए थे, क्योंकि भारत इसराइल का दोस्त मुल्क है और इसराइल भारत से मिलकर पाकिस्तान के वजूद को कारी जर्ब लगाने के दर पे है। वो पाकिस्तान को फौजी एतबार से हर हालत में कमजोर देखना चाहता है, क्योंकि इसराइल और अमरीका ये जानते हैं कि मुसलमान ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसके लोग जांबाज सरफरोश हैं और इस्लाम के नाम पर कट मरने को हर लम्हा तैयार रहते हैं। इसराइल अरबों से निमट सकता है मगर पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। चुनाचे वो अमरीका के साथ मिलकर पाकिस्तान के एटमी तवानाई के पुरअमन प्रोग्राम को बर्बाद करने का अज़्म रखता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज के एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।